वेलकम बैक टू द चैनल नोमैडिक जर्नी डे 75th ऑफ लॉकडाउन और आज हम करेंगे ट्रैवल। फाइनली 75 दिन बाद ट्रैवल करने का मौका मिला यार, खुशी देख रहे हो आप 75 डेज के बाद। मैं एक विलेज में रुका हुआ था, विलेज का नाम है ताला, ये चोपटा के पास ही है और आज हम चोपटा जाएंगे। चोपटा उधर है, उधर कहीं टॉप पे, और चोपटा यहाँ से जो है वो 18 किलोमीटर दूर है और मैं 75 दिन से यहाँ पर अकेला रह रहा था। फाइनली आज, मतलब इतना पास था यहाँ से, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर नहीं कर पा रहा था, आज फाइनली मौका मिला है। आज हम चलेंगे चोपटा, वहाँ टॉप पे। तो हम सिर्फ चोपटा तक जाएंगे, तुंगनाथ और चंद्रशिला जाने का प्लान नहीं है, सिर्फ चोपटा तक जाएंगे। चोपटा के कुछ आसपास की जगह एक्सप्लोर करेंगे और बेसिकली मैं लोकल्स के साथ जा रहा हूँ। और आज का मेरे जाने का मेन मोटो यही है कि आफ्टर लॉकडाउन, मतलब जब ट्रैवल करेंगे हम, तो वो ट्रैवल कितना चेंज होगा, मतलब जो एक ट्रैवल हम पहले करते थे और एक अब करेंगे, तो पहले और अब के ट्रैवल में कितना फ़र्क आया है ये आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस ही बात है, बहुत अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट और बहुत अच्छा अच्छा व्यू तो देखने को मिलेगा ही। तो इस वीडियो को पूरा देखना आप, आज वाले व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये व्यू है ताला विलेज का, ऐसे नहीं ड्रोन से दिखाता हूँ। मीट जग्गू, जग्गू से हाय। भाग गया, इसको मैंने बोल दिया आज की मैं नहलाऊंगा और नहलाने के डर से भाग रहा है ये। जग्गू बेसिकली एक स्ट्रीट डॉग था जो यहाँ आके मैंने अडॉप्ट कर लिया, लगभग 60-70 दिन पहले ही, 60-65 दिन पहले ही अडॉप्ट किया। तो अकेला रह रहा था और ये भी अकेला घूमता था सड़कों पे। मैं बोला ये चल तू मेरे साथ रह, मैं दो बंदों का खाना बनाऊंगा, और तब से हम दोनों ही रह रहे हैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में। तो पहले जयपाल भैया भी थे, जयपाल भैया चले गए थे, अब मैं और जग्गू रहते हैं। जग्गू को आज मैंने, जग्गू का आज नहाने का दिन था, आज उसको नहलाना था, तो वो देखते ही भाग रहा है। मॉर्निंग 6:30 और हमारी जर्नी होती है स्टार्ट टुवार्ड्स चोपटा। गाइज मैं 75 डेज के बाद ट्रैवल कर रहा था और रास्ते में ना आने वाली हर एक चीज़ से मैं बात कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि जैसे ये सुनसान सड़कें पूछ रही हो मुझसे कि कहाँ थे इतने दिन, देखो तुम्हारे बिना यहाँ कितनी सफाई है। जैसे ये कैंप साइट, ये होटल के बेड्स पूछ रहे हो कि कहाँ थे इतने दिन, तुमसे ज़्यादा हम बेचैन हो रहे हैं मिलने के लिए। रोड पर घूमते हिरन, बंदर, कुत्ते, भालू सब पूछ रहे हो कि यार कितने दिन हो गए फोटो शूट नहीं हुआ हमारा। वो भेड़ बकरी चराने वाले गद्दी लोग, वो गायें, वो भैंस सब पूछ रहे हो कि कहाँ थे इस साल, पहाड़ों वाली चाय पीने नहीं आए, देखो हमारे मालिक को दूध का घी बना के बेचना पड़ रहा है। थोड़ी दूर और चला मैं तो ये घोड़े पूछने लगे, अरे वाह फाइनली तुम आ गए मुझसे मिलने, सवारी करोगे? पता है हमारा मालिक पिछले नवंबर से हमें खिला पिला रहा है तुम्हारे इंतज़ार में, थोड़ी सी दूर ही बैठ जाओ, उसको थोड़े पैसे मिल जाएंगे। ऐसा लग रहा था ना कि वो ट्रैकिंग का रास्ता पूछ रहा है कि तुम नहीं आए ना, तो पता है मैंने इस रास्ते पे किसी को हंसते गाते नाचते नहीं देखा। मैं ये सब देख के ना वहाँ एक पत्थर पर बैठ गया और उन हिमालय की पहाड़ियों को देखने लगा और सोचता रहा कि यार जो ट्रैवल हमारे लिए मज़ा था ना, वो कितनों की रोजी रोटी थी जो उनके पास से चली गई है, काश मैं कुछ कर पाता इनके लिए। सब आप में से कई लोग बोलेंगे यार कितना डोनेशन करें हम, अब तक करते आए हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, हमारे पास भी पैसे नहीं है, कितने डोनेट करें हम। नहीं, मैं कोई डोनेशन नहीं मांग रहा भाई,
मैं बस इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाना चाहता था कि जिस पहाड़ों पर आप सुकून ढूंढने आते थे, जिन पहाड़ों पर आप शांति ढूंढने आते थे, खुद से मिलने आते थे, दिमाग शांत करने आते थे, टेंशन फ्री होने आते थे, उन पहाड़ों का आपके बिना क्या हाल है। या फिर वो लोग जो टूरिज्म पर डिपेंडेंट थे, उनका आपके बिना क्या हाल है। बस मैं यही चीज दिखाना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। बट एक चीज है जो मैं और आप लोग कर सकते हैं इनके लिए, हमारी ट्रैवल कम्युनिटी के लिए, हमारी पूरी इंडियन कम्युनिटी के लिए, सबके लिए, कि नेक्स्ट ईयर जब भी आप ट्रैवल करो, मैं इस साल की बात नहीं कर रहा, मे बी हमें ट्रैवल करने का मौका क्या पता जून जुलाई में मिले या फिर सीधा जनवरी फेब में मिले, जब भी आप ट्रैवल करो दोबारा, तो एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना। जैसे आप कहीं जाते हो, कश्मीर जाते हो, हिमाचल जाते हो, उत्तराखंड जाते हो, साउथ में कहीं जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो जो विलेजर्स होते हैं या फिर जो घोड़े वाले होते हैं, पोर्टर्स होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, इनसे यार 100-200 रुपए के लिए बार्गेनिंग मत करना जस्ट फॉर वन ईयर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिंदगी भर करो, कोई बात नहीं, आप करना चाहो तो बहुत अच्छी चीज है, बट कम से कम एक साल के लिए। करते आज तक हम सब आए हैं, मैं भी करता आया हूँ, 100-200 रुपए के पिछले लड़ते रहते हैं कि नहीं भैया 1000 मांग रहे, नहीं हम तो 800 देंगे। बट नेक्स्ट वन ईयर के लिए हम बार्गेनिंग ना करके इनकी हेल्प कर सकते हैं। आप एक बात सोचो, यदि आप केदारनाथ जा रहे हो और आप एक घोड़ा हायर कर रहे हो अपने मम्मी पापा के लिए या फिर खुद के लिए जो भी, और वहां पर वो बंदा, उस घोड़े वाले ने, उस बंदे ने इस साल भी उस घोड़े का ध्यान रखा है, उसको खिलाया है, पिलाया है, सब केयर की है, सब चीजें की है, इस वेट में कि आप अगली साल आओगे। लाइक आई एम लिविंग इन चोपटा फ्रॉम लास्ट 75 डेज एंड नोइंग द ग्राउंड रियलिटी, तो मैं इनको रिलेट कर पा रहा हूँ काफी हद तक, और मुझे लग रहा है कि यार कुछ तो हम कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, कहाँ तक जाएगी, बट मैं सोचता हूँ कि कोई 5 लोग भी देखे और वो 5 लोग 5 बंदों की भी हेल्प कर पाए, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। वैसे ये व्लॉग अलग होने वाला था, बट वहाँ जा कुछ अलग वाइब्स मिली मुझे, कुछ अलग चीज़ें मैंने फील की, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे भी एक व्लॉग होना बहुत ज़रूरी है बिफोर पोस्टिंग डेट, जो मैं नेक्स्ट व्लॉग पोस्ट करूँगा वो वाला व्लॉग, क्योंकि ये ज़रूरी है जानना हम सबको जो ट्रैवल करना चाहते हैं या घर पे बैठे सोच रहे हैं कि हम ट्रैवल करेंगे, आप एक बार देखना जरूरी था। बाकी नेक्स्ट व्लॉग आएगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि मैं कल मैं गया यहाँ पर, लोकल गद्दी लोगों के साथ रहा, लोकल जो सैफर लोग होते हैं उनके साथ रहा, उनके साथ मैंने खेती बाड़ी की, बकरियां चराई, सब कुछ किया, तो वो एक व्लॉग बड़ा फन व्लॉग होने वाला है जिसमें मैं एक लोकल गढ़वाली कल्चर, गढ़वाली लोगों का, एक जो अपर हिमालयाज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, पहाड़ों में वो उनका अलग लाइफस्टाइल होता है, बट जो अपर हिमालयाज में रहते हैं उनका लाइफस्टाइल कवर करने की कोशिश करूंगा विद सो मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बहुत ज्यादा जरूरी है, तो काफी सारी स्टोरीज भी आएगी उसमें, तो नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना। जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा डू सब्सक्राइब द चैनल नोमैडिक जोनी, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड गाइस इस वीडियो की ये बातें प्लीज ध्यान रखना, आप चाहे नेक्स्ट व्लॉग में देखो चलेगा, बट ये बातें ध्यान रखना।